अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज आए हैं हमारे घर पे मेहमान, तो मेहमान कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ लोग तो समझ गए होंगे क्योंकि ये देखें बिलोरानी खड़ी है, इसको देख के काफ़ी लोग समझ गए होंगे। बाकी जो लोग नहीं समझे उनसे हम आज मेहमानों को मिलवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उनके नाश्ते का बंदोबस्त कर रहे हैं हम, उनके नाश्ते में हमने क्या बनाया है, और मैं जा रहा हूँ नान लेने, तो ये आपको उनसे मिलवाऊँगा और फिर आपकी उनसे बात भी करवाएँगे। और वो रात को अचानक उन्होंने कैसे छापा मारा है तो वो उनसे पूछेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नाश्ते के लिए। अब हम पानी लगे हैं पिलाने अपनी भैंसों को, तो घर रहने के नुकसान भी थोड़े से हैं, तो नुकसान तो नहीं है, खैर काम है, काम तो करना है, तो इसलिए ये भैंसें हैं जी, इनको पानी पिलाते हैं अब। तो दूसरी ले आ खोल के, अच्छा जी ये हम जा रहे हैं नान लेने, ठीक है। ये नान लेने हम जाएंगे साथ वाले गांव में, ठीक है, उधर तंदूर है तो उधर से नान बड़े वो अच्छे नान लगा देते हैं उनको कहीं ना, तो वो नान लेने जा रहे हैं। अच्छा मेरे साथ कौन है, मेरे साथ हैं जनाब तलहा भाई, तलहा भाई लाहौर वाले, ठीक है। ये देखें, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ये हैं जी लाहौरी फूड एंड व्लॉग्स के जो कैमरे के पीछे होते हैं, जो एडिट करते हैं, बाकी जो सारा काम करते हैं वो जनाब यही करते हैं, ठीक है। तो चलें फिर, मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ठोक दूँगा। अच्छा जी गाँव के तो मज़े ये हैं, मैं जा रहा था तो ये देखें, ये हैं जी ट्यूबवेल के मज़े हैं, ठंडा ठंडा पानी, वाह, जब मर्जी जनाब जिसका दिल करे वो आके छलांग मारे जनाब इसके अंदर और ठंडा हो जाए। ये देखें कैसा जनाब माहौल है जी, तो चलते हैं अभी। अच्छा जी ये आप चेक करें रोड हमारा, ठीक है गांव, लेकिन रोड बड़ा ज़बरदस्त है ये, तो कहते हैं जी भले वक्तों में ये बन गया था, ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। देखें सुबह सुबह है देहाती माहौल सारा, ये देखें ये ट्रैक्टर के पीछे इन्होंने रेडी लगाई हुई है, उस पर ये जनाब सुबह सुबह भैंसों के लिए अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह लेके आए हैं। वो सामने देखें वो अपने जनाब गधे के ऊपर लेके आ रहा है चारा अपने भैंसों के। 25 करवा लेता हूँ तो इजाफी कोई हो, चाचू है ना पंजी कर जे अच्छे वाले ना कुलचे कर जे, कुलचे, हाँ कुलचे कर जे, ठीक है ला दो तुम, मैं सिर्फ पूरी तकरीबन 10 मिनट तक आना, मैं ला के रखे जी, हैं मेहरबानी। अच्छा जी नानों का जो ऑर्डर है ना वो मैंने दे दिया है, अब मैं जा रहा हूँ इससे भी एक आगे गाँव है, वहाँ पे मेरा जनाब दोस्त है, मैं जा रहा हूँ उसके पास, तो उससे ज़रा को 10 मिनट गपशप करते हैं, इतना नान लग जाएंगे, नान बन जाएंगे। हम पहुँच गए हैं जनाब तलहा साहब के डेरे पे, तो ये बैठे हैं जनाब तला भाई, इनके डेरे पहुँच गए हैं, इन्होंने भी भैंसें शैंसें रखी हुई हैं, देखें भैंसों के ऊपर पंखे चलाए हुए हैं, यहाँ पे बंदों को चलाने के लिए पंखे नहीं मिल रहे, जो हिसाब बिजली का हुआ हुआ है, इतने इतने बिल आ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, यहाँ पे जनाब भैंसों के लिए पंखे चलाए हुए हैं। अब ये इसकी अकड़ चेक करें जनाब, ऐसे पंखों का मैंने कहा तो अकड़ अकड़ के चल रहा है, नान हमारे आ गए हैं, नान ले आए हैं, तो क्या बना रहे हैं बात? ये चिकन हलीम बना रहा हूँ, ये आने वाले मेहमानों की फरमाइश थी कि चिकन हलीम आपकी अच्छी हो। अच्छा जी हलीम हमारी रेडी है, मेहमानों ने खाना खा लिया है, ठीक है, अब बारी आई है हमारी, तो हलीम खाएंगे, फिर मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये थोड़ा सा इसके ऊपर ये प्याज डाल लेते हैं ब्राउन प्याज, ये हरी मिर्च थोड़ी डाल लेते हैं इसके ऊपर, ये डाल लेते हैं अदरक की कुछ काशें,
इधर से उठाते हैं नान, और ये ले जी। हाँ हाँ, का टाइम है तो हम इधर बाहर रोड पे निकले हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि गांव में ना स्पीड बहुत स्लो आती है, इस वजह से हम ना बाहर निकले हैं तो ताकि जल्दी वीडियो अपलोड हो सके। बाकी ये शाम का मंज़र है, आप देखें बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत, ये देखें सनसेट है शाम को, बड़ा ज़बरदस्त है। ये इधर गाँव है, बताया था कि हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, तो सुबह से बताया हुआ है, तो रात हो गई है, मेरा ब्लॉग नहीं हो सका, सुबह से काम पे काम, काम पे काम, यानी कि इतने काम हो रहे हैं, तो अभी भी मैं बाहर खेतों में चला गया था, वो कुछ चावल की फसल जिसको पानी शानी लगाना था, तो इस चक्कर में मैं बाहर चला गया, बल्कि मामू ने मुझे बुलाया था कि आके ना ब्लॉग अपना कम्प्लीट कर लो, तो बस मैं बाहर चला गया, तो अब थोड़ा टाइम मिला है, रात का टाइम हो गया, तो साथ चाय शाय पी रहे थे, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी एंड कर लेते हैं। तो हमारे पास मेहमान आए हुए थे, ये जनाब मेरी बाजी भी लगती हैं और मामी यानी कि आंटी भी लगती हैं, ठीक है, ये मेरी फूफो की बेटी भी हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ तीसरा रिश्ता मैं आपको बता दूँ, वो तीसरा क्या होगा, साली भी लगती हैं ये मेरी, ठीक है, तो ये हमारे पास आए हुए हैं और इनका जो चैनल है वो है लाहौरी फूड एंड व्लॉग्स का नाम। नान को भी बुला लेते हैं, आजे मामू, आजे चाय ना पीने देना सुकून से, यहाँ बैठ के पी लो हमारे साथ। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? हाँ जी, ये मेरे मामू लगते हैं, ठीक है, ये मेरा सांडू लगता है, जब सांडू इंसान बन जाता है मामू वाला रिश्ता खत्म, ये मेरा सांडू लगता है, ये बेशक मामू कहता है, ये मेरा सांडू लगता है, ये क्योंकि मेरी जो मिसेज है उनकी वाइफ है, उनकी सिस्टर, वो इनके घर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना चाहते हुए भी मोहब्बत को कायम रखना पड़ेगा लेकिन सांडू से मोहब्बत होती बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है ना? नहीं, मैंने तो सुना था इतने कुत्ते का प्यार होता है सांडू का नाल नहीं, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे असल में पता क्या, हम खाली सांडू नहीं है ना, पहले हम मामू भांजे हैं, ठीक है, तो चलो अब मेरी शादी भी हो गई है, तो इस वजह से अब सांडू भी बन गए हैं, तो बेशक सांडू बन गए हैं, हमें वो रिश्ता जो पहले वाला है वो इज्जत और एहतराम का, मोहब्बत का, हम मामा भांजा ही रहेंगे, बेशक सांडू है, इससे नहीं देख लिए हमारे गेस्ट, ठीक है, तो आपने इनका चैनल आदमी मेरे आ गए एग्जाम्स, तो मैं अनकरीब मैं भी जा रहा हूँ लाहौर, ठीक है, फिर हम इकट्ठे मिलके व्लॉग्स भी बनाएंगे, आपको घुमाए फिराएंगे भी, ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं मजीद ऐसे ही मजेदार व्लॉग आज के साथ इजाजत लेंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना आपका हमें इतना प्यार मिल रहा है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।